मैं सब नूं बहुत वधाई दिंदा दीप सिद्धू जो कि पिछले कुछ दिनों तो जेल अंदर सी किसानी संघर्ष के चलते उसकी अज जमानत लोअर कोर्ट ने एक्सैप्ट कर ली है। माणयोग अदालत ने अज जो उन्होंने फैसला सुनाया उन्होंने हक अंदर मैं बहुत धन्यवाद करदा है उन्होंने एडवोकेट अभिषेक गुप्ता जी का उन्होंने भरा सरदार मनदीप सिंह जी का और दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के एडवोकेट सरदार जसप्रीत सिंह जी राय साहब का। बहुत लंबी मुशक्कत तो बाद जमानत हुई है। दिल्ली पुलिस ने पूरा जोर लगाया तरलो मच्छी हो रहे थे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP क्राइम सब बैठे हुए थे कोर्ट के अंदर VC के दौरान कि किसी तरीके जमानत रद्द होवे पर मैं उस अकाल पुरख का धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का कोटान कोट शुकराना करदा है जो ये अज दीप सिद्धू जमानत हुई शाम को दीप सिद्धू अज जेल तो रिहा होएगा। मैं तुहानू सारयां नू फिर तो बहुत बहुत वधाई दिंदा गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा सदके अज दीप सिद्धू की भी जमानत हुई। जिवें कि तुसीं सारे जाणदे जी दीप सिद्धू भी किसानी संघर्ष के दौरान जिस तरीके मुकदमे बने उस लाल किले नू लैके सानू खूब बदनाम करने की कोशिश की गई मीडिया वालों भी बड़ा शरारता की गई और सिखां नू कितना कितने कटघरे च खड़ा किया जा रहा है। देश के अंदर बहुत वड्डे पहला भी अंदोलन हुए ने देश के अंदर बहुत वड्डे किसानों नू लैके भी संघर्ष हुए ने लेकिन किसी धर्म नाल जोड़ के उन्होंने लोगों को बदनाम करने की कोशिश नहीं की गई पहला जिस तरीके हुण की गई। पंजाब के बहुत सारे लोग जेलों च बंद रहे और दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अपने वकीलों की टीम के सदके हुण तक 155 लोगों दीआं जमानतां कराईआं 155 लोग उन्होंने जमानतां कराईआं ने जिहड़े तिहाड़ जेल के अंदर बंद हो चुके थे। इस दे अलावा तकरीबन 100 तो ज़्यादा जमानतां उह कराईआं ने जिन्हां लोगों को एंटीसपेटरी बेलां ने जिन्हां नूं अरैसट नहीं होण दित्ता गया। अज दीप सिद्धू की जिहड़ी जमानत हुई मैं जरूर धन्नवाद करदा हां साडी लीगल टीम के सरदार जसप्रीत सिंह जी राय साहब का सरदार जसदीप सिंह जी ढिल्लों साहब का सरदार रविंदर सिंह जी संधु साहब का सारी लीगल की टीम का सरदार जगदीप सिंह कालों जी का और विशेष तौर पर जो सरदार मनदीप सिंह ब्रदर ने दीप सिद्धू के और उन्होंने साथी वकील जिहड़े ने अभिषेक गुप्ता जी जिन्होंने आके स्पैशली इतों आर्गूमेंट किए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा हुई बड़ा एक अजीब जहा माहौल से इस बेल में लैके क्योंकि मैं पहला देखा नहीं कभी भी इस बेल के अंदर जो बेल लगाई जा रही थी आर्गूमेंट होए पहली बार असी देखा कि इन्नी पुलिस फोर्स जी VC बैठी आ DCP क्राइम बैठे आ जॉइंट CP बैठे आ कितने स्पैशल सैल वाले जाके उतो इंटेरोगेट कर रहे हैं दोबारा दीप नू जेल से जाके। 4 दिन पहला जो मेरी दीप सिद्धू नाल गल हुई मैंने ये गल कही कि गुरु तेग बहादुर साहब की जरूर कृपा होगी विश्वास रखी गुरु तेग बहादुर साहब जी के उत्ते क्योंकि गुरद्वारा रकाबगंज साहब जिहड़ा है इत्थे दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का ऑफिस है ये 9वें पातशाह जी के पवित्र चरण छोह स्थान है गुरु साहब की बड़ी तरस वाली स्थान है शहादत का एक बहुत बड़ा स्थान है ये गुरु के कृपा सदके ही जिथे मेरे मालक के इन्ने वे स्थान हो जिसते मानवता के उत्ते इन्ना वड्डा उपकार कर किया हो जिथे उत्थे साडे वर्गे भी गरीबा ते साडे वर्गे भी लोगों ते गुरु का जरूर कृपा होगी जरूर गुरु की रहमत होगी ये सानू पूरा विश्वास है। तो मैं दीप नूं कहा बिल्कुल गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा होगी तुसीं देखियो जे मेरे मालक ने ऐसा तरस करना है ये अपनी विजय होगी जित होगी अज उही होया। अज थोड़ी देर बाद दीप सिद्धू शाम नूं रिहा होगा और हुण जिहड़े लोग रह गए ने भावें मनजिंदर सिंह जिहनूं इंग्लैंड तो जिहड़े जा रहे सी रोकिया गया जमानत उन्हों की तरीक अगे पै चुकी आ उन्हों की पेंडिंग 18-19 तरीक है शायद 18-19 तरीक जबरजंग सिंह की भी इकबाल सिंह जी की भी इन सारे की अगले हफ्ते के अंदर तरीक ने इकबाल सिंह जी की दिक्कत आ रही थी जी उन्होंने परिवार को मैं कहना चाहता कि जो तुम दस्या कि उन्होंने बैरिक की चिंता हो रही थी वो मैं गल करके उन्होंने गल भी कर ली और उन्होंने बैरिक में बदलवा दिता गया और जिहड़ा मैनूं बच अपने वीर का नाम भुल गया सरदार जिहड़े पिछले दिनों तो बठिंडे तो लैके आते हैं उन्होंने जमानत भी लगी हुई है। सो मेरे कहने का है कि 5-6 लोग जिहड़े रह गए हैं
बड़ी जल्दी इन्हों की जमानतों का भी हल किया जाऊगा। और मैं धन्यवाद करता है दुनिया भर च वसदी संगत का। मैं जरूर यह कहना चाहता है कि यह सारी कामयाबी क्यों हासिल हो रही है, दो कारण। एक गुरु तेग बहादुर साहब जी का तरस आ, तो दूजिया उन्होंने मावं दी अरदासा ने। जो मैं जाना लोगों मावं कहदियां सी अरदासा कर रहे सी रोज, असीं नित अरदास करते सी पुत तेरे लिए। जिहड़ियां मावं ने अरदासा कीतियां ने उन्होंने अरदासा के सदके ही ये जित्तां हासिल होईयां ने। अज तक लोग इहो जिहे केसां दे अंदर 8-8 महीने तो बाहर नहीं आए। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा जिहड़ा सीए दा अंदोलन होया सीगा ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਧੜੇ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 100% ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।